हजरत शहीद टीपू सुल्तान ट्रस्ट की जानिब से इतवार के रोज प्रेस क्लब बशीरबाग में टीपू सुल्तान की 268वीं यूम पैदाइश तकरीब मनाई गई। इस मौके पर उर्दू अखबारात के मुदीरान इस्तेद शाकिर, जाफर हुसैन, मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी, नवाब काजिम अली खान अम्बेडकर, नेशनल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व दीगर टीपू सुल्तान को खराज अकीदत पेश किया और उन्हें एक अजीम मुजाहिद आजादी व मुहिब वतन और अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए जंग करने वाले अव्वलीन राजा करार दिया। झांसी की रानी उनका एहतराम करना चाहिए। बाद में मरकजी मिनिस्टर ने कहा कि टीपू सुल्तान साहब एक जानी थे और हिंदुओं के दुश्मन थे। मैं आज की नौजवान नस्ल से भी कहना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान शहीद के प्राइम मिनिस्टर ब्राह्मण थे, मुसलमान नहीं थे। ये कहा गया है कि ब्राह्मणों की दौर में जो है ना मंदिरें तोड़ दी गई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कोई ब्राह्मण मंदिर तोड़ सकता है, श्री राम जी का हो या कृष्ण जी का हो या हनुमान जी का हो। ऐसा किसी भाषा के ऊपर इल्जाम लगाना ये दुरुस्त नहीं है। मेरा ये कहना है अंग्रेजी आपको जाना हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, आपकी पार्टी को कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान की बका के लिए शहनशाह आलमगीर औरंगजेब जो भाषा थे उन्होंने 7.5 रुपये कटकर अपने कब्र में गाड़ने के यानी दफन करने के लिए जो है ना रखा। जब लोगों ने कहा कि आप भाषा के वक्त है तो उन्होंने कहा कि वो पैसा रियाया का है मेरा नहीं। आज हमारी सांपत बिरादरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो देख लिए कि करोड़ों रुपए के स्कैंडल हमारे मिनिस्टरों के पास है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लूटा गया है हिंदुस्तान को।